मैं इस विचार यात्रा के अगले आयाम से जुड़ रहा हूं और केवल जुड़ नहीं रहा, भाव विभोर हो रहा हूं। मेरे साथ आसंग जुड़ रहे हैं 20 वर्ष पहले के। सच कहूं, सांकृत्यायन की परंपरा का निर्वहन करते हुए, उस यायावरी के माध्यम से लोक को पूजित करते हुए, शास्त्र को सिद्ध करने की कला में निष्णात एक बड़ा भाई। अपनी कसौटी पर कसते हुए सामान्य जन को अपनी संवेदना से सिंचित करने वाला एक अभिभावक, इस विचार यात्रा के तमाम विश्राम स्थल हैं जिनमें मुझे उनकी सुधि अनवरत आती रही है। व्यक्तित्व से धनी और उससे भी प्रबल मानवीय संवेदना के ऊर्जा स्रोत प्रोफेसर अंबिकादत्त शर्मा, भारतीय विद्या में निपुण निष्णात, ज्ञान मीमांसा में विशिष्ट, एक तरफ कबीर संस्था है तो दूसरी तरफ तुलसी पलते हैं। कबीर की निर्मम प्रहार दृष्टि है तो तुलसी की समन्वय चेतना, विरुद्धों का यह सामंजस्य सौभाग्यवशात आज हमारे बीच उपस्थित है। आप अपने संबोधन से अग्रजों आपको तो तुष्ट करेंगे, यह कामना है। प्रोफेसर डॉक्टर अंबिकादत्त शर्मा, भुवनत्रयम् यदि शब्दाः वयम् ज्योतिः आसंसारम् न दीप्यते। मंच पर उपस्थित मेरे अत्यंत प्रिय भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद के सदस्य सचिव प्रोफेसर सच्चिदानंद मिश्र जी, मेरे अनुजवत और इस महाविद्यालय के वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर सतीश कुमार सिंह जी, आपके दर्शन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार सिंह जी, सभागार में उपस्थित स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षा के प्यारे विद्यार्थियों, और हम वक्ताओं और विद्यार्थियों के बीच सेतु का काम कर रहे इस महाविद्यालय के बहुत सारे प्राध्यापक गण, और इस कार्यक्रम का अत्यंत अपनी ओजस्वी वाग्मिता से संचालन कर रहे मेरे प्रिय रामेंद्र जी, प्यारे विद्यार्थियों, यह आपके लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आपको रामेंद्र जी से रूबरू होने का अवसर मिलता है। मैं इनकी मुंह पर इनकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप ये महसूस करते होंगे कि कोई एक शिक्षक ऐसा होता है जो आपको क्लास में बहुत सूचनाएं देता है, लेकिन कोई एक शिक्षक ऐसा होता है जिसकी वाणी में सूचनाएं नहीं होती हैं, जिसकी वाणी में ऊर्जा होती है। और रामेंद्र जी एक ऐसे ही व्यक्ति हैं जिनके वाणी में सूचनाएं कम और ऊर्जा ज्यादा। और इस ऊर्जावान वाणी को सुनकर तो मुझे बैठे बैठे लग रहा था कि रामेंद्र जी बोलते रहें और इनकी वाणी से हम लोग ऊर्जावान होते रहे। और
जैसे मेरे प्रिय रामेन जी, मैं आपके सामने आज जिस विषय पर आपसे बातचीत करने के लिए उपस्थित हुआ हूं, तो मैं आप सभी विद्यार्थियों से ही मुखातिब होऊंगा। मेरे सामने इस महाविद्यालय के प्राचार्यगण श्रोता के रूप में उपस्थित नहीं रहेंगे, क्योंकि जो मैं बोलूंगा यहाँ के सारे अध्यापक और प्राध्यापक उस बात को भली भांति जानते हैं। इसलिए आज मैं सीधे सीधे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से ही बात करूंगा। आपको रामेन जी ने बताया कि मेरे व्याख्यान का विषय है डीकोलोनाइजेशन ऑफ इंडियन माइंड, हिंदी में उसको कहते हैं भारतीय मानस का वी औपनिवेशीकरण। मैं अपनी बात आप तक समझा सकूं, आप तक संप्रेषित, आप तक पहुंचा सकूं, इसलिए डीकोलोनाइजेशन और उसका हिंदी शब्द वी औपनिवेशीकरण, ऐसे शब्दों को पहले समझ लेना चाहिए कि ये शब्द क्या कहना चाहते हैं। एक और शब्द का प्रयोग हम अपने व्याख्यान में करेंगे, यूरोपीकरण। यूरोपीकरण और हमारे व्याख्यान के दौरान एक शब्द का संभवतः कहीं प्रयोग होगा, संस्कृतात्मा। संस्कृतात्मा, आप दर्शन के विद्यार्थी हैं, आपको लगेगा कि हम लोग आत्मा के विषय में तो जानते हैं, हर व्यक्ति की एक अपनी आत्मा होती है। ये संस्कृतात्मा क्या होता है? संस्कृतात्मा शब्द का भी प्रयोग इस अर्थ में सार्थक रूप से किया जा सकता है कि एक संस्कृति में रचने बसने वाले लोगों में जो एक एकता होती है, एक रूपता होती है, सोचने समझने जीवन जीने के तौर तरीकों में जो एक समानता होती है, तो उसको मिलकर एक संस्कृतात्मा बनती है। मतलब एक संस्कृति के सारे रहवासी उसी संस्कृतात्मा को में साझेदारी करते हैं। इसलिए जैसे जीवात्मा शब्द का प्रयोग होता है, वैसे संस्कृतात्मा शब्द का भी प्रयोग हो सकता है। अंग्रेजी में उसे कल्चरल सेल्फ कहते हैं। औपनिवेशीकरण शब्द का अर्थ आप लोग जानते होंगे कि जब कोई साम्राज्यवादी ताकत किसी देश को ही नहीं बल्कि किसी सभ्यता और संस्कृति को अपने राजनीतिक आधिपत्य और प्रभुत्व में ले लेती है, तो हम ऐसा समझते हैं कि उस साम्राज्यवादी ताकत के द्वारा हमारा हमको उपनिवेशीकृत कर दिया गया है। इस साधारण अर्थ में हम लोग उपनिवेशीकरण को समझते हैं, अंग्रेजी में उसको कॉलोनाइजेशन कहते हैं। ये जो कॉलोनाइजेशन है, इसको और सटीक तरीके से समझने के लिए हम इसको इस तरह समझ सकते हैं, यार ये समय ना ये बिस्किट बांटना बंद कर दो, हम तो बिस्किट बांट ही रहे हैं और हम प्रयास करेंगे कि ये बिस्कुट, हमारा बिस्कुट जो है इस बिस्कुट से ज्यादा स्वादिष्ट और मीठा हो। तो ये जो कॉलोनाइजेशन है, इसको और सरल तरीके से ये समझा जा सकता है, यहाँ अंग्रेजी के विद्वान बैठे हुए हैं, कॉलोनी शब्द का एटिमोलॉजिकल मीनिंग होता है अपनी जड़ों से कट जाना, अपनी जड़ों से कट जाना। तो आजकल देखिए कितने लोग कॉलोनी में रहते हैं, तो कॉलोनी में जो लोग रहते हैं उसका मतलब होता है ये अपनी जड़ों से कटे हुए हैं। जड़ों से कटने का मतलब अपने गांव घर से, अपने कुल खानदान से, अपने विरासत से, अपने इतिहास से, अपने समाज से, कॉलोनी में बसे लोग कटे हुए रहते हैं, वो अपनी जड़ों से कट गए, इतिहास से, विरासत से, सभ्यता संस्कृति की जड़ों से वो कट गए हैं। इसलिए कॉलोनी में रहने वाले आदमी की पहचान किससे होती है?
गांव में रहने वाले आदमी की पहचान होती है कि बाबा है उसके, या उन्होंने कोई मंदिर बनवाया, तालाब खुदवाया, कुछ इस तरीके से लोगों की पहचान बनती है। लेकिन कॉलोनी में रहने वालों की पहचान किससे बनती है? इसके पास किस कंपनी की गाड़ी है, इसके पास फ्रिज किस कंपनी का है, इसके पास एसी किस कंपनी का है, इसका जो बंगला है वो कैसा है, इन भौतिक संसाधनों से उसकी पहचान बनती है। इतिहास से, संस्कृति से, संस्कारों से उसकी कोई पहचान नहीं बनती है। इसीलिए कहा जाता है कि कॉलोनी में रहने वाले लोग अपनी जड़ों से कटे हुए होते हैं। पहली बार जो कॉलोनी में बसने के लिए जाता है तो एकाध पीढ़ी तक तो वो संक्रमण के दौर में रहता है, कुछ गांव से भी, गांव को भी अपने सर पर ढोए रहता है और गांव को धीरे धीरे छोड़ता भी जाता है। लेकिन उसकी जो दूसरी पीढ़ी होती है वो तो अपने इतिहास, अपनी विरासत और अपनी संस्कृति से पूरे तौर से कट जाती है। ये जो कॉलोनी है ना, ये धीरे धीरे हमें अपने जड़ों से काट देती है, इसीलिए इसको कॉलोनी कहते हैं। कॉलोनी का मतलब ही होता है अपनी जड़ों से कट जाना, और कॉलोनी में रहने वाला आदमी अपनी जड़ों से कटा हुआ आदमी होता है। और जब पूरे देश को ही कॉलोनाइज कर लिया जाता है, तब जब किसी देश को ही कॉलोनी बना ली जाती है, तब क्या होता है? तो उस देश की जो सभ्यता, उस देश की जो संस्कृति, उस देश के जो जीवन जीने के तरीके हैं, वो जिन चीजों के आधार पर अपने जीवन को मूल्यवान समझता है, उन सारे संस्कारों से वो पूरे देश का जनमानस उसे कट जाता है। और तब कहा जाता है कि यह देश को केवल राजनीतिक रूप से ही नहीं जीत लिया गया, बल्कि उसको सांस्कृतिक और सांस्कृतिक रूप से भी इसको उसके जड़ों से काट दिया गया। तब वो कहा जाता है कि पूरे तौर से कॉलोनाइज्ड हो गया। आप जरा इतिहास में पलट कर देखिए, 673 वर्षों तक ये देश मुगलों का गुलाम रहा, 673 वर्षों तक। और मुगल यहां कितना उपद्रव कर रहे थे, कितना इस देश को उत्पीड़न के दौर से गुजरना पड़ा उनके 673 वर्षों के शासन काल में, कि यहां इन लोगों ने कितने मंदिर तोड़े, कितने गांवों को उद्वासित कर दिया। ये सब इतिहास में लिखा हुआ नहीं है, उनकी उनके मुगलों के 673 वर्षों के सारे उत्पीड़न इतिहास में लिखित नहीं है। लेकिन फिर भी देखिए कि भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता की जो प्रतिरोधक क्षमता थी, प्रतिरोधक क्षमता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इम्यूनिटी। ये शब्द कोरोना काल में बड़ा प्रचलित हुआ था। तो जैसे हमारा जो बायोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म होता है, जैविक चयापचयी प्रक्रिया जो होती है, उसमें जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, तो ऐसे भारतीय संस्कृति में भी इतनी प्रतिरोधक क्षमता थी कि 673 वर्षों के गुलामी के दौरान भी मुगल एक छत्र यहाँ शासन कर रहे थे, लेकिन हमको बदल नहीं पाए, हमको अपनी सभ्यता और संस्कृति की जड़ों से काट नहीं पाए। हमारी संस्कृति और सभ्यता की गतिशीलता, उसकी जीवंतता, उसका प्राणवंत होना 673 वर्षों में किसी न किसी तरीके से बचा रहा, 673 वर्षों में। और जो मैं ये बात कह रहा हूं कि बचा रहा, हम बचे रहे 673 वर्षों के घोर गुलामी के दिनों में भी, ये मैं नहीं कह रहा हूं। आप लोगों ने इकबाल का नाम सुना होगा, इकबाल के गुरु थे, उनका नाम था हाली, और हाली ने
उर्दू में या फारसी में एक मुदस्सस नाम की किताब लिखी है, और उसमें उन्होंने दिखाया है कि इस्लाम जब फारस और गांधार से होते हुए पश्चिम एशिया के मध्य एशिया के तमाम संस्कृति और सभ्यताओं को तलवार के बल रौंदते हुए भारत में आया, तो यहाँ उसका जो धर्मांतरण की जो उसकी धार थी, प्रोसेलिटाइजेशन की उसकी जो धार थी वो कुंद हो गई। और मुदस्सस में मिश्री लाल जी मुदस्सस में हाली लिखता है कि किए पै सिपर जिसने सातों समंदर, किए पै सिपर जिसने सातों समंदर, वो डूबा दहाने में गंगा के आकर, वो डूबा दहाने में गंगा के आकर, रहा सिर्क बाकी न बहमो गुमा में, वो बदला गया आके हिंदोस्तान में। तब फारस और गांधार से लेके मध्य एशिया के तमाम पैगन सभ्यताओं को रौंदते हुए जो इस्लाम यहाँ पहुंचा, तो हमारी सभ्यता और संस्कृति की जो प्रतिरोधक क्षमता थी वो इतनी प्रज्वलित थी कि उनकी धार यहाँ बड़ी मात्रा में धर्मांतरण करवाने के बावजूद भी अंततः कुंद हो गई। और इसके आधार पर ये कहा जाता है कि 673 वर्षों के इतिहास में भारत में इस्लाम को राजनीतिक विजय भले प्राप्त हुई हो, लेकिन उसको सांस्कृतिक पराजय का सामना करना पड़ा, सांस्कृतिक पराजय का सामना करना पड़ा। इसी बात का संकेत कितने मंदिर तोड़े हैं। इकबाल का एक शेर है रामेन कि क्या कोई बचा नहीं गजनवी कार गहे हयात में, क्या कोई बचा नहीं गजनवी कार गहे हयात में, कब से खड़े हैं मुंतजिर अहले हरम के सोमनाथ। मतलब भारत को जब, भारत में इस्लाम को जब अपनी जमहूरियत का खतरा समझ में आया, तो इकबाल जैसा आदमी कहता है कि क्या कोई बचा नहीं गजनवी कार गहे हयात में, कब से खड़े हैं मुंतजिर अहले हरम के सोमनाथ। मंदिर तोड़ने से संस्कृति और सभ्यता की रीढ़ नहीं टूट जाती है, मंदिर तोड़ने से सभ्यता और संस्कृतियों की रीढ़ नहीं टूटती है। इलाहाबाद स्टेशन का नाम प्रयागराज कर देने से और मुगल सराय का दीनदयाल उपाध्याय नाम कर देने से भारतीयकरण नहीं हो जाता है। बहुत नाम बदले मुगलों ने 673 वर्षों में, लेकिन हुआ क्या। ये बात प्यारे बच्चों हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि हम आपसे विऔपनिवेशीकरण पर बात कर सकें, लेकिन मुगलों के बाद लगभग कितने सर 200-250 वर्षों तक, 200 वर्षों तक यहां अंग्रेजों ने शासन किया। और अंग्रेजों ने जब शासन किया यहां, तो अंग्रेजों की सभ्यता और संस्कृति में पता नहीं क्या ऐसी खासियत थी कि मुगल तो यहां मंदिर तोड़ते रहे और ब्रिटिशर्स यहां 200 वर्षों में मंदिर के प्रति हमारी जो आस्था थी, हमारी जो दृष्टि थी, हमारा जो लगाव था, उस लगाव को ही तोड़ दिया। खतरनाक कौन ज्यादा है, मंदिर तोड़ने वाला या मंदिर के प्रति जो हमारी आस्था है उसको तोड़ने वाला। अगर मंदिर के प्रति हमारी आस्था ही तोड़ दी गई तो मंदिर बुत में बदल जाएंगे, खड़े खड़े मंदिर अप्रासंगिक हो जाएंगे। और अंग्रेजों ने 200 वर्ष के शासन काल में इसी यही काम किया कि मंदिर के प्रति जो हमारी आस्था थी ना, हमारी सभ्यता और संस्कृति से जो मेरा लगाव था ना, हमको उस जड़ से ही काट दिया गया।
इसी को औपनिवेशीकरण कहते हैं। औपनिवेशीकरण केवल राजनीतिक आधिपत्य प्राप्त करने की ही प्रक्रिया नहीं होती है कि हम एक पॉलिटिकल इकोनॉमी का एक ऐसा सिस्टम बना लें कि किसी देश का हम शोषण भरपूर कर सकें। औपनिवेशीकरण इतना ही नहीं होता है। औपनिवेशीकरण का जो खतरनाक पहलू है वो ये है कि औपनिवेशीकरण एक घोड़ा बनता है जिस पर एक दूसरी सभ्यता और संस्कृति सवारी करती है और किसी देश को रौंद देती है। ये उसका सबसे खतरनाक पहलू है। इसलिए भारत में, भारत तो आज किसी देश का उपनिवेश नहीं है ना, हम तो 1947 में राजनीतिक उपनिवेशित प्राधिकरण से मुक्त हो गए ना। लेकिन मुक्त होकर भी आज भी हम यूरोपीकरण के अंगभूत, उसके पार्ट एंड पार्सल बने हुए हैं। हम औपनिवेशीकरण से मुक्त हो गए लेकिन यूरोपीकरण से मुक्त नहीं हुए, क्योंकि यूरोपीकरण एक प्रोसेस ऑफ सिविलाइजेशन है। केवल पॉलिटिकल नहीं है, वो प्रोसेस ऑफ सिविलाइजेशन है। और ये प्रोसेस ऑफ सिविलाइजेशन किस तरीके से हमें आधुनिक बना दिया है कि हम अपनी संस्कृति और सभ्यता के जड़ों से ही कट गए हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो कॉलोनी में नहीं रहते होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कॉलोनाइज्ड नहीं हैं। हम सब लोग कॉलोनाइज्ड हैं। क्यों? क्योंकि हमारे सोचने समझने का जो तरीका है, हमें अपने जीवन का मूल्यांकन करने का जो हमारे पास मानदंड है, वो आप कभी अंदर झांक के देखिए तो वो भारतीय नहीं रह गया है। हम सब लोग कॉलोनाइज्ड हो गए हैं। और इसीलिए जब 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई तो उसके प्रियम्बल में ही इस समस्या को संबोधित करते हुए कहा गया कि हमें आने वाली पीढ़ी को डीकॉलोनाइज्ड करना है, उसको उसका वी औपनिवेशीकरण करना है। क्योंकि भारत की पूरी पीढ़ी जो है उसकी मानसिकता औपनिवेशीकृत हो गई है, कॉलोनाइज्ड हो गई है। इसलिए हमें एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत करनी है ताकि हम आने वाली पीढ़ी को के दिमाग को डीकॉलोनाइज्ड कर सकें। ये समस्या इसी समय नहीं सोची गई, इससे पहले भी सोची गई थी, इससे पहले भी सोची गई थी, इस खतरे को पहले भी भांपा गया था। प्यारे विद्यार्थियों, आपके महाविद्यालय का क्या नाम है आप बताओ, हिंदी में बताओ। अपने विद्यालय का नाम तेज स्वर में बोलो यार। दयानंद। और हिंदी में क्या कहेंगे इसको? दयानंद आर्य वेद महाविद्यालय। इस विद्यालय की स्थापना क्यों हुई थी, क्यों की गई थी, क्या जरूरत पड़ी थी कि भारत में डीएवी स्कूल और डीएवी कॉलेज स्थापित किए जाए? ये महसूस इसलिए की गई थी कि भारत में अंग्रेजों ने 200 वर्ष के अपने शासनकाल में यहाँ की शिक्षा पद्धति को ऐसा बना दिया था कि उस शिक्षा पद्धति के द्वारा कोई आदमी भारतीय बना ही नहीं रह सकता, भारतीय बना ही नहीं रह सकता है। इसलिए उस शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए उस समय भी इस समस्या पर ध्यान दिया गया और पूरे भारत में डीएवी स्कूल और डीएवी कॉलेज खोले गए जहां की शिक्षा पद्धति ऐसी हो कि उस महाविद्यालय के प्रोडक्ट
सही अर्थों में भारतीय बने रह सके। लेकिन पता नहीं भारत के जो डीएवी स्कूल है, डीएवी कॉलेज है, वो किस अनुपात में अपने उत्पादों को भारतीय बना पा रहे हैं, इसको अंदर क्वेश्चन मार्क ही रखना चाहिए। मेरा संदर्भ केवल इतना था कि इस समस्या पर पहले भी लोगों ने सोचा था और शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से एक वी औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया, एक डीकॉलोनाइजेशन के प्रोसेस को आरंभ करने का प्यारे बच्चों आपके ही महाविद्यालय से प्रयास किया गया था जिसमें आप पढ़ रहे हैं। तो इतनी बातों से आप समझ गए होंगे कि हम डीकॉलोनाइजेशन का जो प्रोसेस है उस पर किस तरीके से हम लोगों को बातचीत करनी चाहिए। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेशन के नाम बदलने से, सड़कों के नाम बदल देने से डीकॉलोनाइजेशन नहीं हो सकता है। डीकॉलोनाइजेशन की प्रक्रिया को हमको ना एक वैचारिक परियोजना के रूप में लेनी चाहिए, प्रोजेक्ट ऑफ थॉट के रूप में लेना चाहिए, वैचारिक परियोजना के रूप में। और उस वैचारिक परियोजना का मतलब होगा कि खुले तौर पर हमें आत्मसमीक्षा करनी चाहिए कि हम क्या थे और क्या हो गए। हमें इसकी आत्मसमीक्षा करनी चाहिए, हर व्यक्ति को आत्मसमीक्षा करनी चाहिए कि हम क्या थे और क्या हो गए और क्या होने वाले हैं। इस अर्थ में हमें डीकॉलोनाइजेशन के प्रोसेस को एक वैचारिक परियोजना के रूप में लेकर चलना चाहिए और हर व्यक्ति को इस प्रश्न पर अपने आप से संवाद करना चाहिए। और जब हम अपने आप से इस प्रश्न को लेकर संवाद करेंगे ना, तब हम शायद अपने आप को अंदर से डीकॉलोनाइज्ड कर पाएंगे और फिर से हम अपने आप को पा सकेंगे, फिर से हम अपने आप को पा सकेंगे, हम रिगेन कर सकेंगे आपको, हम उस प्रामाणिक संस्कृतात्मा के साथ फिर जुड़ सकेंगे, ऑथेंटिक कल्चरल सेल्फ के साथ हम जुड़ सकेंगे। तो ये संवाद हम कहां से शुरू करें? वी औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया पर हम कैसे संवाद आपसे करें? आपका मतलब पूरे भारत का युवा वर्ग है जिसका आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कुछ लोग, वर्तमान पीढ़ी के कुछ लोग वी औपनिवेशीकरण या डीकॉलोनाइजेशन की प्रक्रिया को प्रतिगामी विचार समझते हैं। प्रतिगामी विचार का मतलब होता है पीछे की ओर जाना, मतलब बैलगाड़ी के युग में लौट आना। गांधी जी की भी यही आलोचना की जाती थी ना कि जब वो एलोपैथ चिकित्सा के बदले प्राकृतिक चिकित्सा की बात करते थे तो कहते थे कि गांधी जी के जो विचार है वो तो दुनिया को बैलगाड़ी के युग में ले जाने वाले हैं। इतने गांधी जी बेवकूफ तो नहीं रहे होंगे। हम लोग उनको समझ ना पाते हैं इसलिए कहते हैं कि गांधी जी के विचार जो थे वो बैलगाड़ी के युग में ले जाने वाले थे। ग्राम स्वराज की बातें करते थे क्योंकि ये ग्राम जो है हम लोगों के नजर में क्या है, कोई गंदा कुचला कोई पिछड़ा जगह। गांधी जी के विचार ऐसे नहीं थे। खैर, तो कुछ लोग ये समझते हैं कि औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया है वो हमको आधुनिक बनने से रोकती है और इसीलिए ये एक प्रतिगामी विचार है, ये मुझे पीछे की ओर ले जाती है, हमें बैलगाड़ी के युग में ले जाती है। कुछ लोग ऐसा समझते हैं और ये समझते हैं कि हम जितना अधिक आधुनिक हो सकेंगे उतना ही अधिक हम विकसित हो सकेंगे। वर्तमान पीढ़ी के लोग, अधिकांश जो
वर्तमान पीढ़ी के सदस्य है वो ऐसा सोचते हैं। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक बहुत पढ़े लिखे नेता थे, उनका नाम था लाला हरदयाल। और शुरू के दौरान दिनों में वो बड़े राष्ट्रवादी थे और बाद में उनके विचारों में ऐसा परिवर्तन आया कि वो नारा देने लगे कि यूरोप के बिना मुक्ति नहीं हो सकती है, यूरोप के बिना मुक्ति नहीं हो सकती है। अर्थात अगर हमें विकसित होना है तो हमारी डेस्टिनी क्या है कि हमें यूरोप जैसा बन जाना चाहिए, यूरोप के बिना मुक्ति नहीं, ये उनका नारा था उन दिनों। ये यूरोप के बिना मुक्ति नहीं है, यूरोप हमें विकास का जो राजपथ बताता है उसी राजपथ पर चल के हम अपने को विकसित, प्रगतिशील और आधुनिक बना सकते हैं, ऐसी सोच रखने वाली जो पीढ़ी है वो ये मानती है कि औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया एक प्रतिगामी प्रक्रिया है, पीछे की ओर ले जाने वाली है, हमको पिछड़ा बनाने वाली है। लेकिन इसी पीढ़ी में कुछ जागरूक आत्मचेता लेकिन बहुत अल्पसंख्यक लोग हैं जो इस बात को अभी भी समझते हैं कि औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया ने जो मेरा अपहरण कर लिया है, मेरे स्वतत्व का अपहरण कर लिया है, मेरी निजता को मुझसे छीन लिया है, मेरे अपनेपन को भी हमसे छीन लिया है, जो इस उन्मूलन को समझते हैं वे लोग भी औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया को एक पुरोगामी विचार समझते हैं, प्रोग्रेसिव समझते हैं कि अपनी जड़ों से जुड़ना पिछड़ा होने का पर्याय नहीं है, बल्कि अपने जड़ों से जुड़ना सही अर्थों में प्रगति की अपने सांस्कृतिक रास्ते पर चलना है। और इस समय भारत की वर्तमान पीढ़ी में ये जो दो वर्ग हैं वो ऐसे हो गए हैं कि दोनों में संवाद की कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई है। तो बहुत कठिन दौर से हम लोग गुजर रहे हैं कि इन दोनों में कोई संवाद की गुंजाइश ही नहीं रह गई है। और पता नहीं दुनिया में जो अभी 2010-11 के बाद जो टेक्नोलॉजी के जेनरेशन में चेंज आया है और पूरी दुनिया अब स्मार्ट एरा में जा रही है, हम अब एक साथ प्राकृतिक दुनिया के भी निवासी हैं और उसी समय हम एक वर्चुअल वर्ल्ड आभासी दुनिया के भी निवासी बन गए हैं। ये आभासी दुनिया पता नहीं हमें कहाँ लेकर चली जाएगी, इसका तो अभी अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता है। तो ये जो दो खेमों में भारत का मानस बटा हुआ है, इससे भी औपनिवेशीकरण के प्रश्न पर कैसे संवाद किया जाए, कैसे उसको अपनी निजता की याद दिलाई जाए। ये ठीक उसी प्रकार की बात है कि जैसे कोई व्यक्ति किसी किन्हीं मनोवैज्ञानिक कारणों से उसके अपने स्वरूप की ही भ्रांति हो जाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि अपने आप को वो भूल जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि मैं किसका पुत्र हूँ, मैं किसका भाई हूँ, ऐसी एक मनोवैज्ञानिक बीमारी होती है कि अपने स्वरूप की ही भ्रांति हो जाती है। वास्तव में ये जो कॉलोनाइज्ड इफेक्ट हमारे ऊपर है वो इतना गहरा है कि हमें अपने स्वरूप को लेकर ही भ्रांति हो गई है कि हम क्या है, इतना गहरा है ये। इस गहरी भ्रांति के धुंध को छांटना, उसको डिकंस्ट्रक्ट करना केवल और केवल एक वैचारिक प्रक्रिया के द्वारा ही प्यारे बच्चों संभव है। और ये वैचारिक परियोजना इसलिए
कि औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया के द्वारा मेरे विचार को ही बदला गया है, औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया के द्वारा मेरे विचार को ही बदला गया है, तो हम उस विचार को बदल के ही तो फिर हम अपनी निजता में स्थापित हो सकते हैं। इसीलिए ये वैचारिक परियोजना है, क्योंकि इसने मेरे विचार को ही बदल दिया है, मेरे सोचने के तरीकों को बदल दिया है। तो हम उस सोचने के तरीके को ही पलट कर बदल दें तो फिर हम अपनी निजता में, अपने आप में फिर से हम अपने को फिर से पा सकते हैं, हम फिर से अपने को रिगेन कर सकते हैं। मैं कैसे आपको बताऊं कि अपने स्वरूप की भ्रांति कैसे होती है, तो एक दर्शन शास्त्र का एक उदाहरण लेते हैं। वेदांत में ये कहा जाता है ना कि तुम ब्रह्म हो, तो हम लोग तो अपने को ब्रह्म नहीं समझते हैं। मैं अपने को अंबिका दत्त शर्मा के रूप में, आप प्रोफेसर मिश्री लाल यादव के रूप में, आप रामेंद्र जी के रूप में, हम अपने अपनी पहचान करते हैं। हमारा वास्तविक स्वरूप जो है वो ब्रह्म का है, हम इस पहचान को भूल गए हैं। इस बात को समझाने के लिए वेदांत के ग्रंथों में एक बड़ा रोचक उदाहरण दिया गया। एक गांव में 10 मूर्ख लोग थे, युवा थे और मूर्ख थे। तो वो लोग एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए तैयार हुए, तो बीच में नदी पड़ती थी, संयोग से नदी में बाढ़ आई हुई थी। तो गांव के छोरे थे, नदी की बाढ़ की परवाह किए बिना वो नदी में कूद गए और सब लोग पार करके निकल गए, नदी के उस पार चले गए। अब नदी के पार जब उस चले गए तो सब लोगों को भ्रम हो गया कि हम में से कहीं कोई एक व्यक्ति नदी में डूब तो नहीं गया, भ्रम हो गया उनको। अब हर व्यक्ति गिनने लगा, तो अपने से गिनना, अपने को छोड़ के वो गिनना शुरू करे तो 9 आया, थे 10 यार। सब लोग अपनी अपनी तरफ से गिन लिए और निश्चित कर लिए कि एक आदमी हम लोगों के बीच से नदी के बाढ़ में डूब गया, बह गया। सब लोग बड़े परेशान हो गए। एक बेचारा कोई बुजुर्ग आदमी उधर से आ रहा था और इनकी परेशानी को देख रहा था कि ये गलती कहां कर रहे हैं, तो हंसते हुए आया और कहा कि तुम लोग घबराओ मत, तुम लोगों का जो 10वां मित्र है मैं उसको खोज देता हूं। तो सब लोग बड़े प्रसन्न हुए कि कहां से ये अवतरित हो गए कि हमारा जो खोया हुआ मित्र जो नदी में डूब गया था उसको ये वापस ले आएंगे। कहा कि तुम सब लोग एक लाइन में खड़े हो जाओ और जिसके पास मैं जाऊंगा वो अपनी संख्या बोलेगा। तो पहले के पास गया तो पहला मूर्ख बोला 1, उसके बाद दूसरे के पास हो गए क्या बोला वो 2। इस तरीके से क्रम से जाते हुए अंत में 10वें के पास गया तो क्या बोलेगा वो 10वां। तो कहा कि दसमस तोमसि, तुम 10वें हो। अचानक सब लोगों को जो भ्रम हो गया था कि एक आदमी डूब गया है, ये दसमस तोमसि शब्द कहते हुए उन लोगों को जो भ्रांति थी वो दूर हो गई, आंखें खुल गई इनकी। ये जो आंखें खुलना है ना अपने स्वरूप के भ्रम के प्रति, तो औपनिवेशीकरण भी हमें अपनी जीवात्मा के प्रति स्वरूप का भ्रम नहीं पैदा करता, बल्कि ये औपनिवेशीकरण जो है वो हमारी संस्कृतात्मा के स्वरूप के प्रति हमें भ्रमित कर देता है। और इस संस्कृतात्मा को उस भ्रम से दूर करना है, उस भ्रम को काटना है, और इसके लिए इस प्रश्न पर एक खुले तौर से संवाद करना, अपने आप से संवाद करना और परस्पर भी संवाद करना प्यारे बच्चों जरूरी है। और इस संवाद की पहली शर्त होगी कि हम औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया को समझें और यूरोपीकरण की प्रक्रिया को समझें। जैसा कि मैंने पहले संकेत किया
कि औपनिवेशीकरण एक राजनीतिक प्रक्रिया है और उसका मतलब होता है किसी साम्राज्यवादी ताकत के द्वारा एक ऐसे राजनीतिक आर्थिकी के एक पूरे तंत्र को विकसित करना ताकि किसी देश का शोषण किया जा सके। ये एक प्रकार का राजनीतिक प्राधिकरण होता है, लेकिन औपनिवेशीकरण एक सभ्यतिक प्रक्रिया है जिसमें किसी देश की सभ्यता और संस्कृति की जीवन की जो गतिशीलता होती है उस गतिशीलता में ही गतिरोध पैदा कर दिया जाता है और उस गतिरोध के कारण हम अपनी संस्कृति अपने संस्कारों के जड़ों से कट जाते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि भारत का भौगोलिक विभाजन तो एक बार हुआ, भारत का भौगोलिक विभाजन तो एक बार हुआ। कब कब हुआ? 1947 में। लेकिन औपनिवेशिक दास्ता और उत्तर औपनिवेशिक प्रभाव के कारण भारत की आत्मा को कम से कम 3 बार विभाजित किया गया है। भारत का भौगोलिक विभाजन तो एक बार हुआ, लेकिन औपनिवेशीकरण और उत्तर औपनिवेशिक प्रभाव भारत की आत्मा को 3 बार आत्म विभाजित किया गया है। ये तीन प्रकार के भारत का जो आत्म विभाजन है, अगर आप इसको समझेंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि औपनिवेशीकरण आखिर कितनी गहरी चीज है और इसके दुष्प्रभाव हमारे इसके दुष्प्रभाव के परत हमारे ऊपर कितने गहरे में हमको ठक लिए है, कितना घातक है। भारत का पहला आत्म विभाजन औपनिवेशीकरण और उत्तर औपनिवेशिक प्रभाव में भारत का पहला आत्म विभाजन इस तरह से घटित हुआ कि भारत के वर्तमान को भारत के समृद्ध और गौरवशाली अतीत से काट दिया गया। भारत के वर्तमान को भारत के गौरवशाली और समृद्ध अतीत से उसको काट दिया गया। हमें ये क्या बताया गया कि भारत का जो अतीत है वो पिछड़ेपन का प्रतीक है। ये जादू टोना ये सफेदिया वाला देश है। हमको अंग्रेजी ही बताए, यही पढ़ाए, यही लिखे भी मतलब हमारे वैदिक ऋषियों को उन लोग प्रज्ञावान पुरुष के रूप में नहीं देखे, बल्कि हमारे पूरे अतीत को उन्होंने पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया। क्योंकि उनके पास जो देखने का चश्मा था इतिहास को वो क्या था? बहुत सरल शब्दों में कहें तो अगर यहाँ के इतिहास के विद्यार्थी बैठे होंगे तो युगों के युगों को बांटने का पश्चिमी तरीका क्या है? हम लोग प्रस्तर युग, ताम्र युग, लौह युग इसी तरह से बांटते हैं युगों को ना, पश्चिमी तरीका से। अब भारत में युगों को बांटने का क्या तरीका रहा? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन बहुत गंभीर बात है। ये पश्चिमी तरीका जो युगों के बांटने का है उसमें हर आने वाला युग जो होता है वो पूर्ववर्ती युग से विकसित होता है और उसके विकास को हम नापते किस आधार पे हैं? तकनीकी विकास के आधार पर। इसीलिए
प्रस्तर युग में भी जो तकनीकी विकास था उससे उन्नत युग ताम्र युग माना गया। ताम्र युग की तकनीक से विकसित युग लौह युग में था तो उसको हम उससे विकसित माने। जिस तरीके से हम आगे बढ़ जाते हैं मॉडर्न एज तक आ जाते हैं, लेकिन भारत में युगों को बांटने का तरीका मूल्यों के आधार पर था, मूल्यों के आधार। इसीलिए हम उसको सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग मानते हैं। भागवत में कथा है कि चार युगों में धर्म जो है वो चार पैरों पर खड़ा रहा है, दान, तप, शुचिता और सत्य। चार धर्म के पैर होते हैं और एक एक युग में धर्म के एक एक पैर टूटते जाते हैं और कलयुग में आके वो धर्म जो है सत्य पर खड़ा रहता है, केवल सत्य पर खड़ा रहता है। भागवत में इसे ऐसा एक व्याख्यान है। आप इसे समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ युगों के बंटवारे का तरीका और प्रगति को नापने का तरीका कभी तकनीक नहीं रहा। हमारे यहाँ युगों के बांटने का तरीका मूल्य रहा, वैल्यू रहे। तो इस तरीके से ये जो किस तरीके से हमारे अंदर युगीकरण अपना प्रभाव छोड़ता है कि हम उस तरीके को भूल गए और पश्चिमी तरीके को पूरी तौर से अपना लिए, तो इसका परिणाम क्या हुआ कि हमारे अतीत, हमारे वर्तमान को हमारे अतीत से काट दिया गया और मुझे ये समझा दिया गया कि तुम्हारा अतीत ऐसा है जिसे याद करके गौरवान्वित होने की जरूरत नहीं है, बल्कि यदि उसे याद आप करोगे तो शायद आपको लज्जित होना पड़े। ये हमको समझाया गया और इसका परिणाम यह हुआ कि हम अपनी ही सभ्यता और संस्कृति के प्रति हीन भावना से ग्रस्त हो, ये भारत के वर्तमान को भारत के अतीत से काट दिए जाने का परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ कि हम अपनी ही सभ्यता और संस्कृति के प्रति जो गरिमा का बोध हमें होना चाहिए था, हम उसके प्रति हीन भावना से ग्रस्त हो गए और हमने इस हीन भावना को पैदा करके बड़ी आसानी से मनोवैज्ञानिक रूप में हमें यूरोप की सभ्यता और संस्कृति को आदर्श समझने का एक बोध हमारे मन में पैदा कर दिया गया। हमने पहले हीन भावना पैदा की गई और फिर उस हीन भावना का उपयोग करते हुए हमारे सामने तुरंत आधुनिकता का एक चिमेरिकल चेहरा हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया गया। तुम अपना अच्छा चेहरा इसी में देख सकते हो, तुम अपना अच्छा चेहरा इसी में देख सकते हो। और इसका और इसको आप देखिए कि आजादी के बाद भारत यूरोप की जैसा बनने के लिए ऐसी दौड़ लगाया कि यूरोप जहां 400 वर्षों में पहुंचा था, भारत ने 40 वर्षों में वहां पहुंचने की दौड़ लगाई। 40 वर्षों में वहां पहुंचा और पूरे भारत को आधुनिकता के रंग में रंग दिया गया। आजादी के बाद हम देश प्रेम का नारा लगाते रहे ना? हम आजादी के बाद देश प्रेम का नारा लगाते रहे, लेकिन उस देश प्रेम के नारे में जो भ्रम छिपा हुआ था हम कभी उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए। हम देश प्रेम का नारा लगाते रहे, लेकिन जिस देश प्रेम का नारा लगाते रहे वो हमारा सांस्कृतिक देश नहीं था, बल्कि यूरोप बनने के लिए उद्धत वह देश था जिस देश प्रेम का हम नारा लगाते रहे, हमारा वो सांस्कृतिक देश नहीं था। अगर हम सही अर्थों में सांस्कृतिक देश से प्रेम करने का नारा लगाए होते तो हम यूरोप बनने के लिए उद्धत नहीं होते। तो भारत का वर्तमान और अतीत में ये जो विभाजन था
ये भारत का मिसरी लाल जी पहला आत्मविभाजन था और इसका परिणाम हुआ कि हम अपनी ही सभ्यता और संस्कृति के प्रति हीन भावना से ग्रस्त हो गए और यूरोप की तरह बन जाने में गौरव का अनुभव करने लगे। हम ये भूल गए कि हमारी संस्कृति और सभ्यता भारत एक ऐसा देश था जहां बहुत प्राचीन समय से विदेशी आक्रांता यहां आते रहे लेकिन इसको बदल नहीं पाए। भागवत में रामायण जी इसका एक प्रमाण मिलता है कि रात हुनानंद पुलिंद उपकसह आभीर खंख यवन खसादय सुध्यंति तस्मै प्रभव विष्णवे नमः। किरा हूं पुलिंद उपकसह सब यहां यमन आते रहे लेकिन यहां आने के बाद हमारे संस्कृति और सभ्यता में कुछ ऐसी श्रेष्ठता का गुण था कि यहां आकर वो यही रच बस गए। तमाम सांस्कृतिक संस्कारों से युक्त लोग जो यहां आए वो अलग अलग नदियों की तरह गंगा मिलकर भारतीय संस्कृति के गंगा में विलीन हो गए। सुध्यंति तस्मै प्रभव विष्णवे नमः। मार्क्स ने 18वीं शताब्दी में न्यूयॉर्क ट्रिब्यून में एक लेख लिखा था जिसमें इस बात का उल्लेख करता है कि भारत को जीतने के लिए प्राचीन काल से बहुत प्रकार की जातियां यहां आई लेकिन भारत को कोई जीत नहीं पाया। लेकिन ये ब्रिटिशर्स पहले लोग थे जिन्होंने वास्तव में भारत को जीता क्योंकि भारत को जीतने का मतलब था भारत एक विचार है, भारत एक भौगोलिक देश नहीं है, भारत अपने आप में एक विचार है और उस विचार को भी उसने बदल दिया इसलिए उसकी विजय जो थी वो बड़ी पक्की विजय थी। ये मार्क्स नोट करता है न्यूयॉर्क ट्रिब्यूनल में, मेरे पास वो संदर्भ है लेकिन मैं समय बचाने के लिए उसे बता नहीं रहा हूं। और वो कहता है भागवत की इस पंक्ति को कोट करता है कि यहां तो किरा धूम पुलिंद उपकस आभीर खंख यवन दो दो संस्कृतियां दो संस्कृतियों का अपना अपना स्वरूप कैसे बनता है इसको मैं एक बहुत रोचक उदाहरण से आपको बताता हूं। आप लोग आजकल बहुत नारा लगाते हैं, बड़ा गर्व करते हैं वसुधैव कुटुंबकम, ये एक पॉलिटिकल स्लोगन इस समय हो गया। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि विद्यार्थी तो छोड़ दीजिए, बहुत पढ़े लिखे लोग भी वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ नहीं समझते हैं। वसुधैव कुटुंबकम का वो श्लोक है अयम निज परो वेदी गणना लघु चेतसाम उदार चेतनाम तू वसुधैव कुटुंबकम। यह दो प्रकार के चरित्र की बात की गई है, एक उदार चरित्र और एक लघु चरित्र। उदार चरित्र वाले के लिए पूरी वसुधा जो है वो कुटुंब के समान होती है और जो लघु चरित्र वाले होते हैं उनके लिए ऐसा नहीं होता है। तो प्रश्न इसके बाद उठाया गया कि ऐसा क्यों है, मतलब वो कथा कि कौवे और किसी के बीच की है? हाँ, किसी के बीच की वो कथा है। तो वहां वहां ये प्रश्न है कि तुम उदार चरित्र क्यों हो गए और मैं लघु चरित्र क्यों हो गया। तो बाद में वहां उत्तर दिया गया अहम मुनीनाम वचनम श्रोमि श्रोत्ययम् दुर्यवनस्य वाक्यम्। अहम मुनीनाम वचनम श्रोमि श्रोत्ययम् दुर्यवनस्य वाक्यम् न च अस्य दोषो न च मे गुणो वा संसर्गजा दोषगुणा भवन्ति। मैं ऋषि मुनियों के वचन को सुनता हूं और तुम दुष्ट यमुनों के वचन को सुनते हो। क्या मतलब कि मैं ऋषि मुनियों के वचनों को सुनता हूं उसे मैं अपने जीवन में उतारता हूं इसलिए मैं उदार चरित्र हो गया हूं और इसलिए पूरी वसुधा मेरे लिए कुटुंब है।
मेरे लिए कोई कंटेम्पचुअस अदर नहीं है, अभिशाप पुत्र नहीं है, मेरे लिए कोई पाप पुत्र नहीं है, सब अमृत पुत्र है। लेकिन तुम दुष्ट यवन का वचन सुनते हो और अपने जीवन में उतारते हो, इसलिए तुम लघुचित वाले हो गए हो। ये वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है। हम ऋषि मुनियों के जो वाणी थी, हम उसको सुनना बंद कर लिए हैं। और आप क्या कर रहे हैं? हम दुष्ट यवनों के वचनों को ही पढ़ाई लिखाई स्कूल कॉलेज सब जगह हम किनके वचनों सुन रहे हैं? दुष्ट यवनों के, मतलब यूरोपीय वचनों को सुन रहे हैं। हम भारतीय ऋषियों के वचनों को सुनना बंद कर दिए हैं और यूरोपीय विद्वानों को हम लोगों ने ऋषि बना दिया। और इसके चलते हमारी सभ्यता संस्कृति, हमें अपनी ही सभ्यता संस्कृति के प्रति हमारे में ही भावना बदल गई है। तो प्यारे बच्चों, औपनिवेशीकरण और उत्तर औपनिवेशिक प्रभाव में भारत का हलाला आत्मविभाजन था। और जानते हैं, कोई भी आत्मविभाजन भौगोलिक विभाजन से ज्यादा गहरा घाव देने वाला होता है। नोवा खाली में जानती थी ना, तो भारत के विभाजन से उनको बहुत पीड़ा हुई थी। तो हमने एक इंटरव्यू में वाक्य लिखा था, जो आप सिर्फ वाक्य है, वो वाक्य आप लोगों को याद करना चाहिए। कहा, एक बूढ़ा आदमी अपने परिवार को लेकर अपने हल्का का बक्सा लेकर के पाकिस्तान जा रहा था। तो रास्ते में ये लाठी दी गई है, सत्य और अहिंसा की लाठी दी गई है। तो बूढ़ा आदमी वो स्लोगन और वो चित्र भी मतलब किसी वेबसाइट पर उपस्थित थे। तो कहता है कि गांधी जी, मैं जा रहा हूं पाकिस्तान। तो बहुत रुंधे सर गांधी जी उसे कहते हैं कि भारत का भौगोलिक विभाजन भले हो गया है, लेकिन दिलों का भी विभाजन नहीं होना चाहिए। यदि दिलों के विभाजन को रोका जा सके तो भूगोल पर विभाजन की खींची लकीर को कभी भी मिटाया जा सके। भूगोल पर विभाजन की खींची लकीर को कभी भी भारत का दूसरा आत्मविभाजन स्वतंत्रता के पश्चात घटित हुआ। और वो कैसे घटित हुआ? वो विभाजन हुआ संस्कृति और राजनीति के बीच में। भारत की आत्मा को विभाजित किया गया संस्कृति और राजनीति, मतलब भारत की राजनीति के सुर अलग हैं और भारत का सांस्कृतिक सुर जो है वो अलग है। ये दोनों में 36 का आंकड़ा है। कभी कभी तो मुझे ये कहने की इच्छा होती है, मेरा संविधान ही मेरे संस्कृति के विरोध में खड़ा होता है। ये कटु बात है। तो आजाद भारत में भारत का आत्मविभाजन संस्कृति और राजनीति के बीच बढ़ते हुए पार्थक्य में हुआ। हमारी सांस्कृतिक अपेक्षाएं, हमारी सांस्कृतिक प्रेरणाएं हमें दूसरी ओर ले जाती है और हमारी राजनीति, हमारी शासन प्रणाली, हमारी विधि व्यवस्था हमें दूसरी ओर ले जाती है। इस खतरे को गांधी जी ने मिश्री लाल जी भांपा था, इसलिए वो भारत की गुलामी को राजनीतिक समस्या के रूप में नहीं देखते।
वो भारत की गुलामी को एक सांस्कृतिक समस्या के रूप में देखते थे, और इसीलिए उन्होंने सत्य और अहिंसा के तरीके से आजादी प्राप्त करना उचित समझा था। और वो कहते थे कि हिंसक साधनों से यदि हम आजादी को प्राप्त करेंगे ना, तो एक प्रकार की गुलामी को छोड़ के दूसरे प्रकार की गुलामी को वर्णन कर लेना होगा। बहुत गहरी बात थी गांधी। तो आजाद भारत में भारत का आत्म विभाजन, भारत भारत माता के आत्मा को विभाजित किया गया संस्कृति और राजनीति के बीच में। यहाँ का जो पॉलिटिकल कल्चर है, यहाँ एक पॉलिटिकल कल्चर बनाने की लोकतंत्र के माध्यम से, शासन व्यवस्था के माध्यम से, विधि व्यवस्था के माध्यम से हमने एक पॉलिटिकल कल्चर डेवलप करने का प्रयास किया गया, जो मेरे नेटिव कल्चर से अंतर्क्रिया करता है, रिएक्ट करता है। और इस विभाजन का परिणाम क्या हुआ? भारत का जो ये दूसरा आत्म विभाजन हुआ राजनीति और संस्कृति के बीच बढ़ते हुए अलगाव में, इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम प्यारे बच्चों हुआ कि भारत एक सांस्कृतिक राष्ट्र था, भारत एक सांस्कृतिक राष्ट्र था, और सांस्कृतिक राष्ट्र किसी भूभाग से परिभाषित नहीं होता है, वो लोक मानस और लोक चेतना से परिभाषित होता है। भारत एक समृद्ध एकात्मक गुण सूत्रों वाला, मतलब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण भारत में इतने विभिन्नताओं वाला ये देश है, उसमें जो एकात्मता थी वैसा वैसे राष्ट्र को महज एक राजनीतिक राष्ट्र में रूपांतरित कर दिया गया। जो हमारा कल्चरल नेशन था वो पॉलिटिकल स्टेट नेशन में कन्वर्ट कर दिया गया। कितनी बड़ी क्षति थी। हम उस एकात्मक गुण सूत्रों वाले राष्ट्र को भूल गए और हम अपने देश की पहचान एक पॉलिटिकल नेशन स्टेट के रूप में करने लगे। यह स्वातंत्र्य आजाद भारत में यह विभाजन घटित हुआ, और इसके लिए अंग्रेजों की साजिश जितनी जिम्मेवार है उससे कम जिम्मेदार हम लोग नहीं हैं। क्योंकि आजाद होने के बाद इस देश की बागडोर को जिन लोगों ने संभाला वो तो बड़े ज्ञानी लोग थे ना, वो ऐसे ज्ञानी थे जिन्होंने भारत की खोज जैसे महान ग्रंथ को लिखा था, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री को जिसने लिखा था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसे ग्रंथ को लिखा था। आप पढ़िए ग्रंथों को, लगेगा कि वो आदमी कितना विद्वान आदमी था। वो सिविलाइजेशनल पॉलिटिक्स को समझता था कि भारत के प्रति पूरी दुनिया की सिविलाइजेशनल पॉलिटिक्स क्या रही है, वो समझता था वो आदमी। इसके बावजूद भी वो आदमी लंबे समय तक यहां भारत को निर्मित करने का प्रयास किया, मतलब उनको भारत का कायदे आजम कहा जाता है, लेकिन वो आजाद भारत में संस्कृति और राजनीति में भारत की आत्मा को विभाजित होने से रोक नहीं सके। ये भारत का प्यारे विद्यार्थियों दूसरा आत्म विभाजन था, औपनिवेशिक और उत्तर औपनिवेशिक प्रभाव। और भारत का तीसरा जो आत्म विभाजन घटित हुआ वो भी आजाद भारत में हुआ, और बड़ी मजेदार आत्म विभाजन है। भारत का तीसरा आत्म विभाजन भाषा के आधार पर घटित हुआ, भाषा के आधार। भारत में अंग्रेजी, सर आप अंग्रेजी की शिक्षक हैं, बुरा मत मानिएगा, भारत में अंग्रेजी
लैंग्वेज ऑफ नेशनलिज्म बन गया। देखो भाई, मैं इस शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूँ, इसको गड़बड़ झाला मत करना। एक शब्द होता है नेशनलिज्म, मैं नेशनलिज्म नहीं बोल रहा हूँ, नेशनलिज्म। भारत में अंग्रेजी नेशनलिज्म की भाषा हो गई, उसको हिंदी में राष्ट्रीयता नहीं कहते, राष्ट्रीयता कहते, राष्ट्रीयता। भारत में अंग्रेजी नेशनलिज्म राष्ट्रीयता की भाषा की बदली अख्तियार कर ली, मतलब भारत का वो लिंगुआ फ्रैंकेस्टाइन हो गया। और भारत की जो मातृभाषाएं थी, सभी प्रांतों में बोली जाने वाली जो भारत में मातृभाषाएं थी, वो उपराष्ट्रीयता का प्रतिनिधित्व करने लगी, उपराष्ट्रीयता की भाषाएं बन गई। हिंदी, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, मराठी, बांग्ला, ये सब क्या हो गया? लैंग्वेज ऑफ सब नेशनैलिटी, लैंग्वेज ऑफ सब नेशनैलिटी। मतलब भारत की मातृभाषाएं उपराष्ट्रीयता की भाषा बनकर रह गई। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी को यहां राष्ट्रीयता की भाषा लिंगुआ फ्रैंकेस्टाइना के रूप में स्वीकार कर लिया गया। और इस तरह भारत का विभाजन यहाँ कैसे घटित हुआ? आत्म विभाजन, राष्ट्रीयता और उपराष्ट्रीयता में भारत विभाजित हो गया भाषाई आधार। राष्ट्रीयता और उपराष्ट्रीयता में भारत विभाजित हो गया। द सोल ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इंटू नेशनलिज्म एंड सब नेशनैलिटी। और इसका परिणाम क्या हुआ? भारत से राष्ट्रीयता सदा सदा के लिए गायब कर दी गई। आप लोग अक्सर सुना करते होंगे ना कि भारत में राष्ट्रीय भावना की बड़ी कमी है। क्यों ये कमी आई? इसके रूट्स में जाके समझिए कि हमें राष्ट्रीयता की भावना पनपी क्यों है। हम अपने ही देश में राष्ट्रगान का विरोध करने की मानसिकता कैसे पैदा कर ली? इसलिए कि भाषाई आधार पर भारत का राष्ट्रीयता और उप राष्ट्रीयताओं में विभाजन हुआ और उससे राष्ट्रीयता यहां सदा सदा के लिए खत्म कर दी गई। आप समझ सकते हैं कि ऐसा आत्म विभाजन कितना घातक हो सकता है? प्यारे विद्यार्थियों, ये औपनिवेशीकरण और उत्तर आप औपनिवेशिक प्रभाव में ये तीन प्रकार से जो भारत का आत्म विभाजन मैंने बताया, बहुत संक्षेप में बताया, अगर आपको अपने अगर नई पीढ़ी ही या वर्तमान पीढ़ी के भारतीय मानस को भी औपनिवेशीकृत करना है, तो हमें ऐसी वैचारिक परियोजना को लेकर चलना होगा जो ये भारत के तीन आत्म विभाजनों को पाट सके, इस खाई को पाट सके। अगर हम ऐसी वैचारिक परियोजना अपने से संवाद करते हुए, दूसरों से संवाद करते हुए और संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से यदि हम ऐसे उपक्रम नहीं करते हैं कि हम भारत के तीन आत्म विभाजनों की खाई को पाट सके, मतलब इन तीन आत्म विभाजनों के द्वारा भारतीय संस्कृति का हृदय जो दरक गया है, जैसे पहाड़ दरक जाते हैं ना, तो लैंडस्लाइड होते हैं, तो भारत माता का हृदय जो दरक गया है इन तीन प्रकार के आत्म विभाजनों से, यदि उन दरारों को पाटने की वैचारिक योजना हम संचालित नहीं करते हैं संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से, तो हम भारतीय मानस का विऔपनिवेशीकरण कभी नहीं कर सकते। भारत का एक दौर था कि भारत अपनी नियति उदारवादी पूंजीवादी यूरोप में देखता रहा था कि हमें औद्योगिकरण करना चाहिए, हमें वैज्ञानिक विकास करना चाहिए, ये संस्कृति धर्म की बातें केवल पिछड़ेपन की बातें हैं, हम उदारवादी पूंजीवादी यूरोप में अपना अच्छा चेहरा देते थे।
उसके बाद एक दौर आया कि हम समाजवादी यूरोप में, मतलब मार्क्स के ढांचे में, मार्क्सवादी चिंतन के ढांचे में हम भारत की नियति देखने लगे। और ये दोनों प्रकार की विचारधाराएं जो भारत में, भारत भारत को राजनीतिक रूप से औपनिवेशीकृत नहीं कर रही थी, बल्कि भारत के, भारत को ज्ञान के धरातल पर औपनिवेशीकृत कर रही थी। डिकॉलोनाइजेशन ऑन द पेडेस्टल ऑफ नॉलेज, मतलब हमारे ज्ञान को ही औपनिवेशीकृत कर दिया गया। हम अपने देश में अपने समस्त ज्ञानात्मक उद्यमों और उपक्रमों के द्वारा उसी प्रकार के ज्ञान का आदर्शीकरण और मानकीकरण करने लगे जो यहां आधुनिक सभ्यता के फलने फूलने के लिए खाद पानी की तरह काम करते रहे। हमको ज्ञान के धरातल पर ही औपनिवेशीकृत कर दिया गया। तो वास्तव में एक दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी को या किसी भी विषय में जो स्नातकोत्तर अध्ययन कर रहा है उसको औपनिवेशीकरण की समस्या को स्टेशन का नाम बदलने, गलियों और सड़कों के नाम बदलने के प्रपंच में नहीं पड़ना चाहिए। उसको बहुत गहरे में सोचना चाहिए कि हम कॉलोनाइज्ड कैसे हुए हैं और उस वैचारिक परियोजना को हम में हम अपनी भूमिका क्या निभा सकते हैं कि अपने को हम डीकॉलोनाइज्ड कर लें। इस कॉलोनाइजेशन और डीकॉलोनाइजेशन का जो अंतर द्वंद है, प्यारे विद्यार्थियों, आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि भारत, बस थोड़ी देर मैं और बोलूंगा उसके बाद आपकी ज्यादा परीक्षा नहीं लूंगा। मैं एक छोटी सी बात बता के अपनी बात समाप्त करूंगा। ये कॉलोनाइजेशन और डीकॉलोनाइजेशन का अंतर द्वंद जो है भारत में, आप आजादी के बाद देखिए तो आपको ऐसा लगेगा कि भारत अपने को खोज रहा है, भारत अपने आप को खोज रहा है, भारत हम सब के माध्यम से अपने आप को खोज रहा है, क्योंकि भारत अपने आप में एक सचेतन विचार है। और सभ्यता और संस्कृतियों के जो वर्ल्ड सेंटर्स रहे हैं, अगर उसके हिसाब से देखें तो भारत एक कोई छोटा मोटा देश नहीं है, बल्कि अर्ध गोलार्ध है, आधा ग्लोब है। सो फार एज द कल्चर एंड सिविलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्न, आधा भाग है पूरी दुनिया का। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक बेस्ट हिस्टोरियन ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री मैकनिन कहता है कि जितना विरोध भारत और एशिया के बीच में नहीं है, उससे ज्यादा विरोध भारत और शेष विश्व के बीच है। इस वाक्य को समझिए, मैकलिन के वाक्य को, कि जितना विरोध भारत और एशिया के बीच में नहीं है, उससे ज्यादा विरोध भारत और शेष विश्व के बीच है। मतलब शेष विश्व एक तरफ और भारत सभ्यता और संस्कृति की दृष्टि से एक तरफ खड़ा है। ये भारत का, इसलिए भारत का ये सिविलाइजेशनल राइट है। ये जो विरोध है ना भारत और शेष विश्व के बीच सभ्यता और संस्कृति को लेके, ये भारत को एक राइट देता है, एक अधिकार देता है। क्या देता है? वो अधिकार देता है कि पूरी दुनिया का जो बेरोक टोक अप्रतिहत जो यूरोपीकरण किया जा रहा है, उसके विरोध में भारत को ही खड़ा होने का अधिकार है। क्यों? क्योंकि भारत और शेष विश्व के बीच में ही ये विरोध है। यदि पूरी दुनिया अगर यूरोपीकरण की एक पश्चिमी मिशन के तहत पूरी दुनिया का यूरोपीकरण किया जा रहा है और आधुनिकता एक विश्व सभ्यता का रूप ले ली है, तो उसका विकल्प प्रस्तुत करने का अधिकार वास्तव में भारत को ही है। और ये भारत आजादी के बाद अपने आप को खोज रहा है।
आजादी के बाद एक दौर आया कि भारत पूंजीवादी उदारवादी आधुनिक यूरोप के दर्पण में अपना मुखौटा देखना चाहा। और देखिए नेहरू जी के नेतृत्व में 50-60 वर्षों में भारत का कितना आधुनिकीकरण हुआ। भाखड़ा नंगल और तमाम प्रकार के डैम और परियोजनाओं को वो मंदिर से भी ज्यादा महत्व देते थे। पूरे भारत को आधुनिकता के रंग रोगन में रंग दिया गया और उस आधुनिकता को फलने फूलने के लिए जितने प्रकार की एजेंसीज, जितने प्रकार के इंस्टीट्यूशंस की जरूरत थी वो आजाद भारत में बहुत तेजी से बनाए गए। उसके बाद फिर भारत का ये भ्रम टूटा कि पता नहीं आधुनिकता के मुख के दर्पण में अपना मुखौटा देखना सही है कि नहीं, हम सही में अपनी आत्म प्रतिमा वहां देख सकते हैं कि नहीं, अपने सेल्फ इमेज को हम पा सकते हैं कि नहीं, उसका भ्रम टूटा। तो आप लोगों को एक दौर याद होगा कि फिर एक दूसरा भ्रम भारत के सामने पैदा किया गया कि शायद भारत को अपनी जलालत से मुक्ति समाजवादी यूरोप के दर्पण में अपना मुखौटा देखने से मिल सकता है, मतलब मार्क्सवादी चिंतन प्रक्रिया में मिल सकता है। और वो भी दौर आप लोगों को याद होगा कि इस देश में मार्क्सवाद का फैशन इतना गहरा गया कि मैं एक मजाक की बात आपसे करूं कि हम लोग जब विश्वविद्यालय में पढ़ा करते थे तो लड़कियां लड़कों से दोस्ती करने से पहले ये जानकारी प्राप्त करती थी कि इसके कमरे में मार्क्स का फोटो लगा है कि कैसा फैशन था वो। पूरा भारत जो था ना उसमें मार्क्सवाद एक फैशन बन गया। भारत अपने को खोज रहा था कि कहीं मार्क्सवादी चिंतन में ही तो हमारी आत्म प्रतिमा हमको नहीं मिलेगी। पूंजीवादी यूरोप के दर्पण में अपना मुखौटा देखने का भी दिन बीता, समाजवादी यूरोप के दर्पण में भी अपना मुखौटा देखने का दिन बीता, और अब तीसरा दौर जो भारत का खोजने का इस समय वर्तमान में चल रहा है वो हिंदू पुनरुत्थानवाद में चल रहा है। हिंदू पुनरुत्थानवाद में भारत अब अपनी आत्म प्रतिमा को देख रहा है कि शायद यही मेरी वास्तविक आत्म प्रतिमा तो नहीं है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। और इस फेज की भी आप तेजी और तीव्रता देखिए, आप तो इसके साक्षी हैं, इस फेज के आप लोग उन दो फेज के साक्षी नहीं रहे, मैं उन दोनों फेजों का साक्षी रहा हूं। आप ये तीसरे भारत की, भारत स्वयं अपनी आत्मा को खोज रहा है, इस तीसरे फेज के आप साक्षी हैं। और 7-8 वर्षों में ही भारत के सोचने का तरीका, भारत की युवा पीढ़ी के चाल ढाल रंग कैसे बदल गए, कितना फोर्स है इसमें। तो ये भारत, मिश्री लाल जी, ये भारत के कायांतरण है। भारत अपने को खोजने की प्रक्रिया में भारत अपना कायांतरण कर रहा है। कभी भारत अपना पूंजीवादी उदारवादी पूंजीवादी यूरोप में अपना कायांतरण किया, फिर भारत अपने को खोजने के प्रयास में समाजवादी यूरोप में अपना कायांतरण किया, और ये तीसरा दौर है कि भारत हिंदू पुनरुत्थानवाद में अपना कायांतरण किया है, जिसके हम सब लोग साक्षी हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि ये भारत की वास्तविक आत्म प्रतिमा है या समाजवादी यूरोप और पूंजीवादी यूरोप की तरह ही ये हिंदू पुनरुत्थानवाद भी भारत की एक छद्म आत्म प्रतिमा का निर्माण कर रही है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन आप इस फेज के साक्षी हैं, और आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि बड़ी नीर छीर विवेक के साथ आप इस फेज को समझें। अगर भारत को वास्तविक आत्म प्रतिमा इस फेज में मिल जाती है
तो शायद भारत को अपने आप को खोजने की प्रक्रिया पूरी होगी, या पता नहीं कोई चौथा फेज भी आएगा क्या, कि भारत किसी एक चौथे प्रकार की विचारधारा में अपना कायांतरण करेगी, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो मेरे कहने का मतलब प्यारे विद्यार्थियों, इतनी बातचीत करने का मतलब केवल इतना ही था, औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया को हमें एक खुले विचार मंच की तरह लेना चाहिए, एक वैचारिक परियोजना की तरह लेना चाहिए, और पक्ष विपक्ष और समानांतर सभी प्रकार के पक्षों पर जिस क्रिटिकलिटी की बात आपको प्रोफेसर सचिदानंद जी ने समझाने का प्रयास किया कि विचार का ही मतलब होता है आलोचनात्मक विचार, समीक्षात्मक विचार, वो विचार विचार ही नहीं है जो समीक्षित नहीं है, वो धारणा हो सकती है, वो विश्वास हो सकता है, वो विचार नहीं हो सकता है, विचार तो वो होता है जो समीक्षित हो, तब उसमें सर्व स्वीकार्यता का गुण आता है। क्रिटिकल थिंकिंग में ही सर्व स्वीकार्यता के गुण आते हैं, इसलिए हमें इस वर्तमान पीढ़ी से अपेक्षा ये है कि औपनिवेशीकरण की विचार परियोजना को आप सब लोग अपने से संवाद करते हुए, दूसरों से संवाद करते हुए, इस राष्ट्र से संवाद करते हुए अपने अपनी भूमिका को तय करें, और इस वैचारिक परियोजना को में आप, इस यज्ञ में आप अपना हवन करें, और भारत के संबंध में, भारत की वास्तविक आत्म प्रतिमा के संबंध में एक समीक्षात्मक विचार के साथ आप सामने आए, तभी औपनिवेशीकरण के सारे धुंध और बादल छट सकते हैं और भारत की आत्म प्रतिमा का सूर्य फिर से उदित हो सकता है, और पूरी दुनिया के अप्रतिहत यूरोपीकरण के अंधकार से वो पूरी दुनिया को फिर से प्रकाशित कर सकता है, और इसी अर्थ में भारत को विश्व गुरु बनना है, इसी अर्थ। आप लोगों से मुझे बात करके अच्छा लगा, आप सभी विद्यार्थियों से, और इतनी अच्छी बात करने के लिए साक्षी भाव से यहाँ इस महाविद्यालय के जितने प्राचार्य, वाइस प्रिंसिपल से लेकर जितने अध्यापकगण यहाँ मुझे ये अवसर दिए, और ये आयोजक मंडल दर्शन विभाग के संजय जी और रामेंद्र जी और प्रोफेसर सतीश सिंह जी ने जो मुझे अवसर प्रदान किया, मैं सर आप पूरे विश्वविद्यालय परिवार के प्रति बहुत ही आभार और कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, और ये भारत के भविष्यों से यह अपेक्षा करते हुए कि आप अपने चिंतन में आलोचक बनो, जब आप अपने चिंतन में आलोचक बनोगे ना, तब एक आलोचक राष्ट्र का निर्माण कर सकोगे आप, आलोचक, और तब आपकी जो पर्सनालिटी होगी वो ओपिनियन सेंट्रिक पर्सनालिटी नहीं होगी, नॉलेज सेंट्रिक पर्सनालिटी होगी। मतलब दो प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, एक धारणा केंद्रित व्यक्ति जो तुरंत तुरंत बदलता रहता है, गिरगिट की तरह रंग बदलता रहा है, वो उसको कहते हैं ओपिनियन सेंट्रिक पर्सनालिटी, और नॉलेज सेंट्रिक पर्सनालिटी क्या होती है, वो अपने ज्ञान को समीक्षित करता है, उसमें बदलता नहीं है। इसीलिए भारत की सभ्यता जो है वो धारणा केंद्रित सभ्यता नहीं है, भारत की सभ्यता ज्ञान केंद्रित सभ्यता है, और हम इस ज्ञान केंद्रित सभ्यता के वर्तमान में उत्तराधिकार में सही अर्थों में और एक आलोचक राष्ट्र का निर्माण करें, इसी कामना के साथ में अपनी बात को आदरणीय प्रोफेसर शर्मा, हम आपके आभारी हैं कि आपने बातों ही बातों में भारतवर्ष की उस वाचिक परंपरा का हमें स्मरण करा दिया, जिसमें अर्जुन को समझाते हुए कृष्ण कहते हैं
एवं परंपरा प्राप्तम योगं राजस्य विदुः। ये परंपरा से प्राप्त जो योग है इसे क्रमशः प्राप्त किया गया। इस वाचिक परंपरा का उन्होंने एकमात्र अनुस्मरण करा दिया हमें। हम इसके लिए कृतज्ञ हैं, हृदय से आभारी हैं। एक बड़ी गंभीर संक्रामक स्थिति है समूचा विश्व इस समय जिस संक्रमण के दौर से भौतिकता के आघात से गुजर रहा है। भारतवर्ष को विश्व गुरु होना होगा। कैसे होगा? प्रोफेसर शर्मा ने अपनी गंभीर विद्वत चर्चा में बात को स्पष्ट किया। हमें भारतीय इतिहास बोध को पुनर्जागृत करना होगा। हमें हमारे मूल की ओर लौटना होगा। मैं संचालक हूं, मेरे भीतर चल रहे तमाम उच्चावच सीमित हो जाते हैं, मेरा क्षेत्र सीमित हो जाता है, क्योंकि मुझे वक्ता नहीं संचालक होना है। मैं अपनी सीमाओं को जानता हूं, किंतु यह तय है कि पश्चिम के द्वारा जो भ्रम खड़ा किया गया कि हमारा वैदिक ऋषि गड़बड़िया है, हमारे पुराण कल्पना है, इस कल्पना को मिटाने के लिए हमें एक बार पुनः कमर कसनी होगी, खड्ग विभूषित होना होगा। इतिहास बोध जो हमारे सामने आज तक प्रस्तुत किया गया, प्रोफेसर शर्मा ने जिसकी ओर संकेत किया, वह इसी औपनिवेशीकरण का परिणाम है और हमारी आत्महीनता की राजचेतना। इससे बचना होगा और हमें पुनर्समीक्षा करनी होगी। प्रोफेसर शर्मा के शब्दों में है तो हमें समीक्षा करनी होगी। एक शब्द का प्रयोग किया, निरक्षीर विवेक की दृष्टि का। प्रोफेसर शर्मा ने आभारी हैं, आपने इन कुंजी शब्दों को हमारे बीच रखा। हम इन्हीं के माध्यम से अपना पाथेय ग्रहण करते हुए अपना पथ निश्चित कर सकेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं प्रश्न आमंत्रित करता हूं, आप विद्यार्थियों के मन में उत्सुकता है उनसे संवाद की प्रक्रिया में प्रश्न संक्षिप्त हो ताकि उनका उत्तर मिल सके। प्रथम प्रश्न, भारतीय संस्कृति हिंदी भाषा अंग्रेजी भाषा से तमाम बातें हुई तो मेरे मन में ये प्रश्न उठता है कि परमा के प्रति देख रहे हैं कि जब हिंदी दिवस जब मनाया जाता है तो उस दिन हिंदी भाषा पर जोर दिया जाता है। उस दिन बड़े बड़े संताओं बड़े बड़े विद्वान लोग भाषा पर जोर देते हैं, लेकिन जब हिंदी दिवस खत्म हो जाता है तो फिर वो हिंदी भूल जाता है। संक्षेप में प्रश्न कर रहे हैं, संक्षेप प्रश्न कर रहे हैं, अपना प्रश्न कर दीजिए बस। अपना प्रश्न कर दीजिए, संक्षेप में कर दीजिए, वो एक साथ तीनों उत्तर दे देंगे। लेकिन वो उसके
वैचारिक तो हम है बाकी है, लेकिन व्यवहारिक तरीके पर हम तो स्वयं को ही देखते, जैसा कि और सरकार की और उसकी व्यवहारिक स्तर पर वैचारिक स्तर पर तो ध्वन दिख रहा है। उत्तर उत्तर अपेक्षित है। हाँ ठीक है भाई। मैं अरुण कुमार बीए फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। मैं अपने प्रश्न को संक्षिप्त में ही रखूंगा। मेरे प्रश्न का उत्तर आप या फिर अमेरिका सर दोनों से कोई भी दे सकते हैं। दोनों का अधिकार एक ही तरह का मिलता जुलता है। तो प्रश्न से औपनिवेशवाद जो है हमारे भारत में आया और हमारे संस्कृति को बहुत हद तक नष्ट करने का प्रयास किया। मतलब एक तरह से हम औपनिवेश हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू मी। तो मुझे अपने संस्कृति के ओर लौटने के लिए सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए, यही मेरा प्रश्न है। बोल दो। सर मेरा ये प्रश्न है कि मैं आपके कहे हुए बात से बहुत हद तक सहमत हूँ। एक प्रश्न ये उठता है कि सर एक दो वर्ड है, एक मल्टीकल्चरलिज्म एक है कल्चरल शॉविनिज्म। तो मल्टीकल्चरलिज्म में सर अपने भी कल्चर को फॉलो करते हुए पास्ट का सम्मान करते हुए और जो दूसरे देश की कल्चर है उसका जो उसकी अच्छी चीज है उसका सम्मान किया जाता है और एडॉप्ट कर दिया जाता है। और सर अगर हम जो अपने ही कल्चर को देखेंगे इसी कल्चर को देखेगा तो सर एक समय ऐसा आएगा एक्सट्रीम ग्रुप कि लोग अगर कल्चर ने थोड़ा सा विपरीत काम किए तो फिर फांसी वाला कैटर में ले लेगा। और एक नेशनलिज्म आप बताए कि कोई राष्ट्रगान नहीं गा रहा है, राष्ट्रगान गाने के लिए कर रहा है। तो सर एक अभी मराठा गवर्नमेंट लॉ लाई मतलब कि वहाँ पॉलिसी बनाई है कि अगर जो भी अगर ऑफिसियल काम कर रहा है तो वो जब भी बात करेगा कॉल में फोन पे तो बोलेगा कि मैंने अपने व्याख्यान में पहली बार कहा था कि वर्तमान पीढ़ी के कुछ लोग ऐसे हैं जो आधुनिक तौर तरीकों से जो हमारे सामने जीवन के विकास का एक मार्ग प्रस्तुत किया गया है उसी को समझते हैं यही विकास का एक राजमार्ग है। और इसीलिए अगर उनके समक्ष ये विषय प्रस्तुत किया जाता है कि नहीं ये राजमार्ग नहीं है, विकास का एक रास्ता अपने सांस्कृतिक क्षेत्रों से होकर ही गुजरता है, वो भी एक मार्ग होता है। तो मैं समझता हूँ आपका प्रश्न यदि आप अंदर से अपने प्रश्न के प्रति ईमानदार हैं तो आप उस टोली का प्रतिनिधित्व करते हैं जो औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया को एक प्रतिगामी विचार समझता है। वो समझता है कि ये हमें पिछड़ा बना देगा, लेकिन ये विकसित और पिछड़ा बनाने की जो परिभाषा है, जिस परिभाषा से आप अपने पिछड़ेपन को और अपने प्रगति को नापते हैं, ये मेजरिंग राड आपको किसने दिया? आपको यूरोप जो थर्मामीटर दे रहा है
विकास के बुखार को नापने का, तो उसी से आप नापिए तो आपको लगेगा कि ये पूरी मानव जाति का बहुत विकास हुआ, अनंत सुख सुविधाओं का विकास हुआ, और इसीलिए ये आधुनिकता इतनी इतनी ताकत अर्जित कर ली कि आज दुनिया भर की सभ्यता और संस्कृतियों को उनके घर में ही अप्रासंगिक बना दे रही है। तो इतनी बड़ी जो ताकतवर परंपरा विचार की दृष्टि से, सभ्यता की दृष्टि से बनी, जो दुनिया भर की संस्कृति और सभ्यताओं को उनके घर में ही अप्रासंगिक बना दे रही है, तो अगर आप इस विचार को लेके चलते हैं तो मैं आपसे सहमत इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मैं इस बात को समझता हूं, या बहुत ऐसे बड़े बड़े विचारक हैं जो इस समस्या पर इस तरीके से सोचते हैं कि विकास आत्मलाभ में तब रूपांतरित होता है जब वह अपने सांस्कृतिक रास्ते से गुजरे, अपने संस्कृति से, अपने सांस्कृतिक रास्ते से भटक कर अगर हम अपने को उन्मूलित कर लेते हैं और यदि दूसरे सभ्यता और संस्कृति को अपना लेने ही गौरव बोध करते हैं, तो ऐसे लोगों से को तो समझाने का ही प्रयास किया जाता है, फिर भी यदि वो न समझते हो तो उसके लिए कोई कैप्सूल तो नहीं बना है कि खिला दिया जाए तो उनका ये भ्रम दूर हो जाए। ये एक प्रकार का वैचारिक भ्रम है। गांधी, अरविंद, ये सब बड़े महापुरुष हमारे देश के थे जो हमें इस बात से चेताते रहे कि पश्चिम जो हमें विकास का राजमार्ग बता रहा है वह अंततः अब ये माना जाने लगा है कि पश्चिमी विकास का जो राजमार्ग है वह मनुष्य को मनुष्य ही नहीं रहने दे रहा है। अगर डार्विन के विकासवाद की दृष्टि से देखें तो मनुष्य को होमो सेपियंस कहा जाता है। ये पश्चिमी विकास का मार्ग तो इस दिशा में जा रहा है जहां होमो सेपियंस नहीं रह जाएगा, होमो सेपियंस अंत होने जा रहा है और अब हम रोबो सेपियंस में बदलने जा रहे हैं, रोबो सेपियंस। तो अगर किसी को यही रुचता है, यही उसको विकास का मानदंड समझ में आता है, तो उसको जरा ठहर के कभी एकांत मन में सोचना चाहिए कि मनुष्य को केवल हाड़ मांस का पुतला मान के हमें अपने जीवन को जीना चाहिए या मनुष्य को एक आत्मा मान के हमें अपने जीवन को जीना चाहिए, कुछ इस तरीके से उसे विचार करना चाहिए और आपको भी ऐसा विचार करना चाहिए। पहला प्रश्न था भाषा के आधार पर, आपने बहुत अच्छा कटाक्ष किया कि हम लोग भी औपनिवेशीकरण की बात करते हैं, भाषा के आधार पर भी औपनिवेशीकरण की बात करते हैं, लेकिन अंग्रेजी का प्रभुत्व तो हमारे ऊपर इतना है कि हम ये सामने जो आज का वो बनाए हैं, क्या इसको कहते हैं, ब्रोशर बनाए हैं, वो भी अंग्रेजी में लिखे हैं। यही तो हम कहना चाहते थे कि इस देश में अंग्रेजी जो एक विदेशी भाषा थी, 18वीं शताब्दी तक अंग्रेजी मुनीली की भाषा थी, लेखा जोखा का व्यापारिक लेन देन की भाषा थी, कलकीय भाषा थी 18वीं शताब्दी तक। लेकिन हमारी संस्कृत भाषा कितनी प्राचीन भाषा है और उस संस्कृत भाषा में जो ज्ञान उपार्जित किया गया था उसका उत्तराधिकार हमें हिंदी को मिला। अगर हम अपने ही देश में हम हिंदी दिवस मनाते हैं, इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। हमें तो अपने देश में फ्रेंच दिवस, जर्मन दिवस, अंग्रेजी दिवस मनाना चाहिए, किसी कोई दिवस हम क्यों मनाते हैं, हम उसको याद करना चाहते हैं ना, तो हिंदी को याद करने की क्या जरूरत है, क्या हिंदी को हम भूल गए, किसी को याद करने की शर्त क्या होती है, उसको भूल जाना, जब हम भूलते हैं तभी तो याद करते हैं। तो यही इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि भाषा के आधार पर हमारा मन
कितना औपनिवेशीकृत कर दिया गया है कि हम अपने देश में ही हिंदी दिवस मनाते हैं। हमें ये हिंदी दिवस जैसी चीजों को हम जब तक हिंदी दिवस मनाते रहेंगे ना, तब तक हम यहाँ से अंग्रेजी को विस्थापित नहीं कर पाएंगे। हम अंग्रेजी को विस्थापित तब कर पाएंगे जब हम भारत में अंग्रेजी दिवस मनाएं। और जैसे हिंदी दिवस मना के हिंदी को भूल जाते हैं, वैसे अंग्रेजी दिवस मना के अंग्रेजी को निपटा दें, तभी वो भाषा के आधार पर भी औपनिवेशीकरण हो जाएगा। आपका प्रश्न था वसुधैव कुटुंबकम वाला कि हम किसकी बात सुने। तो दो पक्षियों के कथानक में बहुत अच्छी बात कहा गया कि अहम मुनीनाम वचनम श्रृणोमि श्रृणोत्यम दुर्यवनस्य वाक्यम। अगर हम हमारे स्कूल कॉलेज में वही सब कुछ, हमारे स्कूल कॉलेज क्या है, हमारे स्कूल कॉलेज एक कार्यशाला है, वर्कशॉप है, जहां हमारे दिमाग की ढलाई होती है। तो जहां हमारे दिमाग की ढलाई होती है, अगर वहां यही दुष्ट यवनों के द्वारा उत्पादित ज्ञान, मतलब पश्चिम के द्वारा उत्पादित ज्ञान ही हमको पढ़ाया जाएगा, तो हम वही लघुचरित होते रहेंगे। तो अगर हमें उदार चरित होना है तो हमें अपनी ज्ञान परंपरा से जुड़ना होगा ना, वेदों से, उपनिषदों से, महाकाव्यों के रामायण महाभारत इत्यादि से, संस्कृत के महाकाव्यों से। इनको कहीं पढ़ाया जाता है क्या? आप अपने समाज विज्ञान के पाठ्यक्रम में देखिए, उसमें भारतीय सामाजिक चिंतन के कितने कंटेंट होते हैं। आप अपने पॉलिटिकल साइंस में देखिए, ताकि पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में इंडियन पॉलिटिक्स के कितने कंटेंट हैं। हम हॉब्स लॉ को रूसो को ही तो इसी बना दिए हैं। हम मनु को, कौटिल्य को, भीष्म की राजनीति को, राजधर्म को हम नहीं पढ़ते लिखते हैं। तो अगर हम उनको पढ़ने लिखने लगेंगे तो ऋषि मुनियों का वचन सुनने लगेंगे तो हम उदारचरित हो जाएंगे। और जब तक ये पश्चिमी ऋषियों के द्वारा उत्पादित ज्ञान परंपरा को आप पढ़ते लिखते रहेंगे स्कूल कॉलेज में, तब तक आप लघुचरित बने रहेंगे और पश्चिमी विकास के मार्ग को ही विकास का एकमात्र राजमार्ग समझने के भ्रम में पड़े रहेंगे। वैचारिक परिवर्तन जैसा विचार हो वैसी दुनिया भी बन जाए, ऐसी अगर ताकत विचार में हो जाती तो हम जैसा सोचते वैसा ही हो जाते। लेकिन हर आदमी अपने अंदर से पूछे कि हम जैसा सोचते हैं वैसा होते नहीं। तो ये विचार और उस विचार के अनुरूप हमारा व्यवहार और दुनिया की पूरी व्यवस्था, पूरी वस्तु व्यवस्था वैसी बन जाए, यह एक बड़ा ही पेरेनियल क्वेश्चन है। विचार हमारे व्यवहार में अनुदित होते हैं, ट्रांसलेट होते हैं, लेकिन धीरे धीरे होते हैं। जिस विचार के प्रति हम बहुत आश्वस्त हो जाते हैं, आप अपने अंदर देखेंगे, जिस विचार के प्रति आप एकदम आश्वस्त हो जाते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं रहता, एकदम थोक बजा के आप उसे प्रमाणन अर्थ परीक्षण न्याय कहा था ना प्रोफेसर, एकदम प्रमाणों की कसौटी पर जब आप किसी विचार को कस के उसके प्रति दृढ़ हो जाते हैं, तब वो धीरे 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 आपके आचरण में उतरने लगता है। तो ये विचार और आचरण में ये खाई बनी रहती है, लेकिन विचार छन छन के धीरे धीरे हमारे व्यवहार में आते हैं। ऐसा नहीं नहीं आते, लेकिन उनकी प्रक्रिया कहीं तेज होती है और कहीं धीमी होती है। मुझे एक बड़ी अच्छी कविता रामेंद्र जी याद आ गई इस प्रसंग पर। अस्तित्व की रिक्तता में, कर्म रहित शब्द शून्यता में,
सब कुछ लिखा है शास्त्रों की ईश्वर रमणीयता में, अस्तित्व की रिक्तता में, कर्म रहित सब शून्यता में, सब कुछ लिखा है शास्त्रों की ईश्वर रमणीयता में। आवश्यकता नहीं कुछ लिखने की, नितांतता है उदाहरण बनने की। आवश्यकता नहीं कुछ लिखने की, नितांतता है उदाहरण बनने की। इतिहास बन गया विचारों के विकास का, इतिहास बन गया विचारों के विकास का, नैतिकता और धर्म के उपदेश का। पर हुआ न स्व का संग आरोहण, स्व का संग आरोहण मतलब हम उस विचार के साथ अपनी आत्मा को लेकर आगे नहीं बढ़े। पर हुआ न विचारों, हुआ न विचारों, हुआ न स्व का संग आरोहण, निरर्थक हो गया सिद्धांत संग्रहण, निरर्थक हो गया सिद्धांत संग्रहण। विचारों की विदित ऊंचाई मानो आकाश की चोटी, भावनाओं की अतल गहराई मानो सागर की पेटी। पर विचारों में शुष्कता है जहां आत्मा का वास नहीं, भावनाओं में निर्जीवता है जहां प्राण का संचार नहीं। एक मोबाइल पर 1000 मैसेज, निर्जीव मैसेज हम लोग छोड़ देते हैं। एक मैसेज लिखते हैं और ये निर्जीव मैसेज हम तुरंत सर्कुलेट कर देते हैं 1000 लोगों के बीच में। उस मैसेज में कोई संवेदना है क्या? कोई संवेदना है उसमें? वो निर्जीव संदेश है। तो इतिहास बन गया विचारों में शुष्कता है जहां आत्मा का वास नहीं, भावनाओं में निर्जीवता है जहां प्राण का संचार नहीं। गौर करो, गौर करो, शब्द पहले का जब कभी कर्म का अंगा, होगा तभी संसार सारा चंगा, होगा तभी संसार सारा। इन्होंने एक प्रश्न किया आपका नाम क्या है? सत्यम। सत्यम का प्रश्न बहुत अच्छा है। ये एक ऐसे मानस के द्वारा किया गया प्रश्न है जो अपनी जड़ों से कट जाने की जिसमें पीड़ा भी है, अपनी जड़ों से कट जाने की जिसमें पीड़ा भी है, मतलब अपने सांस्कृतिक सरोकारों से जिसका लगाव भी है, और आधुनिकता के प्रलोभन से भी वो मुग्ध है एकदम, अपने सांस्कृतिक जड़ों से भी उसका लगाव है और आधुनिकता की सुख सुविधाओं को भी वो त्यागना नहीं चाहता है। ये युवक एक ऐसे दोलायमान मानस का, पेंडुलम की तरह दोलायमान मानस का प्रतिनिधित्व करता है। तब ये सोचता है कि अपने सांस्कृतिक सरोकारों और आधुनिकता की सुख सुविधाओं में कहीं तालमेल बना लिया जाए, कहीं तालमेल बना लिया जाए। गांधी जी ने हिंद स्वराज में सत्यम में वाक्य लिखा है, आधुनिक मनुष्य के प्रति टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि हमें बाघ तो चाहिए, बाघ टाइगर, हमें बाघ तो चाहिए लेकिन बाघ की प्रवृत्ति हमें नहीं चाहिए, बाघ की प्रवृत्ति हमें नहीं चाहिए। ये कैसे संभव है? बाघ हम पालना चाहते हैं लेकिन हम ये कामना उससे करते हैं कि वो अहिंसक हो जाए। ये दोनों संभव है क्या? अपने सांस्कृतिक सरोकारों
और पश्चिमी सभ्यता की सुख सुविधाएं, ये दोनों में ये सीख मुझे आधुनिकता दे रही है। क्योंकि आधुनिकता को जब सांस्कृतिक सरोकारों का प्रतिरोध सहना पड़ा है तो आधुनिकता में एक मंत्र दे रही है कि थोड़े समय के लिए यार ना इसमें संतुलन बना लो। अपनी श्रीमती से तुम्हारी शादी होगी ना, हो गई है कि होने वाली है, तुम्हारी शादी होगी ना, तो अपनी श्रीमती जी के लिए एक माइक्रो कंपनी का पर्स भी खरीदना और एक सनई का बटुआ भी खरीदना। सनई का बटुआ समझते हो ना, सनई का बटुआ वो भी पर्स होता है जो बलिया के खुजरी मेला में बिकता है। हाँ, ये परंपरा और आधुनिकता के समन्वय की जो जद्दोजहद है ना, ये उसी आधुनिकता की मार्केट पॉलिसी, उसी आधुनिकता की ये मार्केट पॉलिसी है कि बेचेगा तो माइक्रो कंपनी का पर्स, लेकिन आपके घर में परंपरा की याद दिला के आपको एक सनई का बटुआ भी बेचना चाहता है। और पूरी दुनिया में आधुनिकता और परंपरा के तालमेल पर बहुत विचार किए गए हैं, लेकिन अंततः इसकी परिणति सत्य में यह होती है कि आधुनिकता हमारी परंपरा के बचे खुचे संस्कारों को ही धीरे धीरे, हम अभी तुम्हारी बात को और एक्सप्लेन कर रहे हैं, आधुनिक मतलब हमारे हमारे सांस्कृतिक संस्कारों के बची खुची जो पूंजी होती है ना, उसको भी खत्म कर देता है। तब तुम कहोगे कि दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं, तो क्या अपने सांस्कृतिक परंपरा का दावेदार होने का मतलब यह है कि हम चीन की तरह अपने संस्कृति के चारों तरफ दीवार को बंद करें और पूरी दुनिया से नाता तोड़ लें क्या? आज ये संभव नहीं। आज दुनिया में जो खुलापन है उसमें मॉडर्न जो सिविलाइजेशन है, आधुनिक सभ्यता है, उसका एक एजेंडा है मल्टीकल्चरलिज्म, क्योंकि उसने पहले एक कल्चर की अपनी परिभाषा बनाई। हम आपकी परिभाषा को मानने को जरूरी थोड़े है, आपने कल्चर की अपनी परिभाषा बना ली और आप हमको बताने लगे कि भारत में एक संस्कृति नहीं है, भारत में बहु संस्कृतियों का यहाँ संगम, भारत एक बहु सांस्कृतिक बहु धार्मिक देश है, भारत बहुत धार्मिक देश है, लेकिन हम संस्कृति को जिस तरीके से परिभाषित करते हैं, हम नहीं मतलब भारतीय दृष्टि जो संस्कृति को परिभाषित करने की है वो पश्चिमी मानदंडों पर संस्कृति को परिभाषित नहीं करती। हमारे तो अथर्व वेद के पृथ्वी सूक्त में ही कहा गया कि बहुधा विपाचसम नाना धर्मानाम पृथ्वी यथोक्तम, कि यहाँ अलग अलग प्रकार के धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन इन सब में एक सांस्कृतिक एकात्मता भी है। तो जब तक हम उस सांस्कृतिक एकात्मता के मर्म को नहीं समझने का प्रयास करेंगे, तब तक हम पश्चिमी परिभाषा और पश्चिमी चश्मे से जब तक हम संस्कृति को परिभाषित करते रहेंगे, तब आपको भारत एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी दिखाई पड़ेगा, जबकि है नहीं। आप देखो कि संस्कृति को एकात्मक संस्कृति को अनुप्राणित करने वाली जो चीजें होती है ना, ये संस्कृति वस्त्र और लिबास से नहीं जानी जाती है। संस्कृति को पकड़ने की जो तरीका होता है वो ये होता है कि हम अपने जीवन को, हम अपने जीवन का आदर्शीकरण किन मूल्यों के आधार पर करते हैं।
तो आप पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में सारे समाजों का अध्ययन करोगे, उनमें बहुत विभिन्नताएं खान पान रहन सहन रीति रिवाज के मिलेंगे, लेकिन जीवन के जो गहरे मूल्य बोध हैं वो आपको उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में एक ही जैसा मिलेगा। भारत का कौन ऐसा जगह है या भारत में किस भाषा का ऐसा साहित्य है जहां राम कृष्ण ये सब जो हमारे कल्चरल आइकॉन है उनकी उनकी भाषाओं में तमाम पाठ भेदों के साथ ये ग्रंथ नहीं मिलते हैं। इस दृष्टि से जब सत्य विचार करोगे तब तुम पाओगे कि दुनिया में भारत के अतिरिक्त जितनी सभ्यता और संस्कृतियां हैं सब इसी चक्कर में पड़े हुए हैं कि आधुनिकता और पारंपरिक संस्कृति के बीच तालमेल बना लिया जाए, लेकिन इसका परिणाम यही होता है कि आधुनिकता अपने को स्थापित कर लेती है और परंपरा उन्मूलित हो जाती है। कितनी संस्कृतियां मिट गई उनका कोई नाम लेवा नहीं, लेकिन भारतीय संस्कृति अभी भी जीवित है, इसकी आत्मसीमन क्षमता इसकी प्रतिरोधक क्षमता अभी भी है, तभी तो हम लोग इस तरीके की बातें कर लेते हैं। और तुमने एक बात और कही कि हमें अच्छी चीजों को अपनाना चाहिए, ये हमारा वैदिक उद्घोष है।